लेकिन मैं ऐसे एक आज ऐसे कार्य में आया हूँ राजनीति, लेकिन देखिए उनकी अपनी पार्टी का मामला है, वो कब फैसला करेंगे, किसके लिए फैसला करेंगे, तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारा बोलना उसमें ठीक नहीं लगता। तो आपको एज मिल रहा है इस चीज़ का लेट होने का? देखिए निश्चित तौर पर किसी चीज़ में भी कोई पार्टी अगर डिले करती है तो उनको कम समय मिलता है, तो उसका नुकसान तो पार्टियों को उठाना पड़ता है। सुपर सार्थक कर पाएंगे? लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह का भरोसा और विश्वास मोदी जी के प्रति देश में नहीं पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रहा है, और मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं, तो आज के हालात में लगता है कि एनडीए 400 पार करेगा और बीजेपी 370 पार करेगी। लेकिन वोटिंग परसेंटेज वो कम हुआ पहले चरण का, तो ये देखिए ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के विश्लेषण उस पर हो रहे हैं। कोई कहते हैं कि जब लोग ये मान लेते हैं कि जीत ये रहे हैं तो अपना मतदाता भी और विरोधी के हौसले पस्त हो जाते हैं, वो करे वोट डेल के करेंगे भी क्या, जब जीत मोदी जी की पार्टी रही है बीजेपी रही है तो वोट देके मतलब जाएंगे भी तो क्या फायदा होने वाला है, कई बार इस रूप में भी चुनाव को लोग ले लेते हैं। लेकिन जो इंडी गठबंधन है वो भूपेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि झूठ फरेब की बात कर रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, सारी चीज़ें। देखिए आप खुद अनुभव कर सकते हैं, देखिए मोदी रिजल्ट बता रहे हैं पूरे देश के, और मोदी जी के 2014 का चुनाव एक उम्मीद का चुनाव था, जब लोगों ने देश में उम्मीद नेताओं से छोड़ दी थी, पार्टियों से छोड़ दी थी, एक ऐसा निराशा का वातावरण था, उम्मीद लेकर मोदी जी के साथ लोगों ने उम्मीद की, उनको उम्मीद के पर उनको बहुमत दिया, और उस उम्मीद पर मोदी जी भरोसा उम्मीद पर खड़े उतरे, इसलिए 2019 में उन्होंने उसको विश्वास व्यक्त किया कि ये उम्मीद पर खड़े उतरे, और ये 2024 का चुनाव गारंटी का चुनाव है, लोगों की उम्मीद पर भी मोदी सरकार खड़ी उतरी, विश्वास पर भी खड़ी उतरी, और अब गारंटी पर भी खुरा उतरेगी, इसलिए मोदी की गारंटी पर वोट डलने वाला है। लेकिन गांव-गांव विरोध हो रहा है, देखिए आप देखिए विरोध, देखिए राजनीति में बहुत लोग हैं जो इस तरह का, लेकिन नहीं करना चाहिए, हर आदमी को अपना वोट मांगने का अधिकार है, तुमने वोट नहीं देना मत दीजिए, विरोध का तरीका तो यही है, लेकिन हम गांवों में पत्थर बरसाएंगे, गाड़ियों को तोड़ेंगे, इससे ना उनका भला होने वाला है, ना प्रदेश का और देश का भला होने वाला है। विरोध का तरीका, हम किसी से नाराज हैं तो वोट ना दें, लेकिन ये गांवों में घुसने नहीं देना, पथराव करना, बदतमीजी करना, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लोकतंत्र में विरोध का तरीका है, हमको अपने मत से विरोध कर सकते हैं, और देखिए सामने कोई चेहरा नहीं है, लोगों को स्टेबल सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत प्रधानमंत्री, एक कमजोर प्रधानमंत्री का और अस्थिर सरकार का खामियाजा देश में भुगतता है, अब दोबारा भुगतने को तैयार नहीं है। हल्के खुल जाओ जी, ग्रुप बनाओ बेटा, खुल जाओ, हल्के पीछे हो जाओ, यहाँ देखिए सामने सभी ठीक है जी। बहुत बहुत स्वागत है कृष्ण पाल जी का, या बहुत कृपाल पूरे मान परिवार की तरफ से, लोहा सत्रह की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है मंत्री साहब का। और मैं भाई बलबीर मान, सिकंदर मान, अशोक मान से अनुरोध करूंगा कि वो मंत्री जी